राम राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मंगल के रिश्तेदारी के ऋण के बारे में। क्या है इसका कारण, कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण ये जो ऋण है वो उत्पन्न होता है, और इसके अलावा हमारे चलती हुई ज़िंदगी में हमने कौन सी ऐसी गलतियां की या हमारे पूर्वजों ने की जिसके कारण ये ऋण हमारी कुंडली में उत्पन्न हुआ, और क्या है इसके लक्षण, हमारे जीवन में क्या लक्षण हमें नज़र आएंगे जिससे कि हम कुंडली के अलावा भी जान सकें कि ऋण पितर मंगल का रिश्तेदारी का ऋण हमारे ऊपर है, और क्या है इससे मुक्त होने के उपाय, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल के इस ऋण के बारे में कुंडली के अनुसार। कुंडली के अनुसार जो लाल किताब का मत है वो कहती है कि खाना नंबर 1 और 8 में अगर मंगल के शत्रु बुध व केतु हुए तो ये एक योग कुंडली के अनुसार बन जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में रिश्तेदारी का ऋण है। अब इसमें कौन सी ऐसी गलती की गई है हमसे या हमारे पूर्वजों से जिसके कारण ये ऋण उत्पन्न हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ की उत्पत्ति का कोई कारण होता है। तो लाल किताब में स्पष्ट रूप में ये लिखा मिलता है कि मित्र मार, यानी कि मित्र के साथ कोई आपने ऐसा कर्म किया हो जिसके साथ, जिसको हम पंजाबी के लफ्ज़ में कहते हैं यार मार, या किसी मित्र को हानि या नुकसान पहुंचाया हो या उसका हक मारा हो, ऐसा कुछ किया हो। इसके अलावा आपके किसी के बने हुए मकान में आपने रुकावट डाली हो या उसके बने हुए मकान को आग लगा दी हो, इसके कारण भी ये रिश्तेदारी का ऋण उत्पन्न होता है। इसके अलावा जहर की घटनाएं, मतलब आपने किसी को जहर दे के मार दिया हो या आपके पूर्वजों ने ऐसा कुछ कर्म किया हो किसी को जहर दे के मार दिया गया हो। इसके अलावा किसी के पके हुए खेत में आग लगा देना, ये भी इस ऋण का कारण बनता है। और इसके अलावा अगर कोई भैंस बच्चा देने की स्थिति में हो तो उसको मरवा देना या कत्ल करवा देना, ये भी इस मंगल के पितर ऋण रिश्तेदारी ऋण को दर्शाता है। तो अब ये आपको जान लिया कि आपकी कुंडली में ये ऋण है, ये किन गलतियों के कारण उत्पन्न हुआ, अब ये क्या दुष्प्रभाव आपके जीवन पे देगा, इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। अब ये हमारे जीवन में क्या दुष्प्रभाव देगा, वो ये देगा कि आप किसी भी खुशी में शामिल होने से परहेज़ करेंगे, रिश्तेदारी से मिलने बरतने में परहेज़ करेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने बरतने में परहेज़ करेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई भी खुशी का मौका आएगा तो वो बिना लड़ाई झगड़े के संपूर्ण नहीं होगा, या कहिए कि आपके घर में जो भी फंक्शन या दिन त्यौहार मनाया जाएगा, चाहे वो आपकी औलाद के संबंध में या वैसे ही किसी खुशी के संबंध में, वो बिना फसाद के ख़त्म नहीं हो सकता। इसके अलावा जब आप उस उम्र के पड़ाव में पहुँचे जब आपकी तरक्की शुरू हुई, कहने का मतलब ये है कि लाल किताब में जो लिखा है कि हमारे मुंह पर मूछें आने लगी, हमारी तलवार का डंका हर तरफ बोलने लगा, दूर दूर से लोग हमसे मिलने आने लगे, जीवन में तरक्की का माहौल उत्पन्न हुआ, लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि ऐसा समय आया कि सब कुछ जलकर स्वाहा होने लगा। हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे यार मित्रों ने हमसे पीठ करनी शुरू कर दी, हमारे घर में धन के नुकसान होने लगे, बड़ी बड़ी बीमारियों का वास कि या किसी ऐसी दुर्घटना का आहट हुई या हुई ऐसी दुर्घटना जिसके कारण हमारे घर का सारा ही सुख चैन धन दौलत स्वाह हो गया। जो हमने मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था वह सब जलकर स्वाह हो गया। अपनी जान बचाने के लिए जब हम भागे
तो छत पर जाने के लिए एक रस्सी लटकी थी, उसको पकड़कर हम जब चढ़ के ऊपर जाने लगे तो रस्सी भी टूटकर गिर गई, यानी कि रस्सी ने भी हमें बचने का मौका प्रदान ना किया। नीचे गिरने के कारण हमारी छाती की हड्डियां टूट गई और उस समय हमारा किसी ने साथ ना दिया। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी कहानी जो लाल किताब में बताई गई है, वो उसका कहने का मतलब यही है कि जब आप मंगल के इस ऋण से पीड़ित होंगे तो एक समा ज़िंदगी का आपका ऐसा आएगा, खास से 28 से 36 साल की आयु के बीच, कि आपने जितना बड़ा भी साम्राज्य राज्य खड़ा किया होगा, जितनी धन दौलत कमाई होगी, नाम शोहरत बनाई होगी, वो सारी जलकर स्वाह हो जाएगी। और आपके परिवार में कोई ऐसी बीमारी का आगमन हो सकता है जिसके कारण कि वो सारा पैसा जलकर स्वाह हो जाए, या कोई ऐसी दुर्घटना, एक्सीडेंट या कुछ और घट सकता है कि आप मृत्यु तुल्य कष्ट पाएं। तो ये मंगल के इस ऋण के कारण होता है, रिश्तेदारी ऋण के कारण। ये तो आपने जान लिया कि आपके साथ ये दुष्प्रभाव क्या देगा। तो अब इससे आपको बचने का भी कुछ विचार मन में आएगा, तो उसके लिए क्या प्रयत्न किए जाएं। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो कि मंगल के ऋण के बारे में गुरुजी से चर्चा करते हुए मेरी चली थी। वो कहते थे ये मंगल का जो रिश्तेदारी ऋण है, ये बहुत ही खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। गुरुजी ने जिक्र किया कि जब भी किसी को तरक्की करनी होती है तो दुनियावी साथ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे यार मित्र हो, चाहे वो हमारा परिवार हो। पर जब इंसान मंगल के इस रिश्तेदारी ऋण से पीड़ित होता है तो वो अपने आप को अकेला रखना शुरू कर देता है, किसी दूसरे के साथ तारतम्य बिठाने नहीं पाता, या दूसरों की कमियां निकालने का आदी हो जाता है, खुद को इतना श्रेष्ठ समझने लग पड़ता है कि उसे दूसरे की खूबी नज़र आती ही नहीं, जिसके कारण वो खुद अकेला पड़ जाता है। और अकेला आदमी इतिहास गवाह है कि इतनी बुलंदी पर नहीं जा सका। अगर हमने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, ऊंचाइयों पे जाना है, तो हमें समाज का, परिवार का, हमारे यार मित्रों का साथ ज़रूरी है। कई बार ऐसा है कि मंगल के पितृ दिन का जब समय शुरू होता है तो इंसान डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने तक के हालात भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये उनकी पर्सनल राय थी जो उन्होंने देखी, अनुभव की, वो मुझे कहा तो मैंने आपको बताई। तो इतने दुष्परिणाम देता है ये मंगल का रिश्तेदारी ऋण। तो अब इससे मुक्ति पाने का क्या उपाय है? देखिए, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, आज 12 तारीख है सितंबर की 2019 की, कल 13 तारीख है और ये शुरू हो जाएगा पितृपक्ष। अगर आप इस समय में ये उपाय कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्तम दिन माना जाएगा, खास तौर पे मंगलवार का दिन हो। तो इसका उपाय यही है कि हमारे जो खून के ताल्लुकदार हैं, खून के ताल्लुकदार जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके दादा की नस्ल से जो चले हों, मतलब आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मासी, आपकी दादी, आपके ताए, चाचे, चाचियाँ, ताइयाँ, भतीजे, भतीजियाँ और बहन, बेटी, ये सब इनकी दायरे में आ जाते हैं, मंगल के ऋण के दायरे में आ जाते हैं, खून के ताल्लुकदार के दायरे में आ जाते हैं। तो करना क्या है, इनसे बराबर हिस्से में पैसे लेने हैं, जैसा कि आपकी श्रद्धा हो। अगर आप 10 रुपये डालना चाहते हैं तो जित आप मेंबर पेन पे लिख लीजिए कितने हमारे खून के ताल्लुकदार हैं, उन सभी से 10-10 रुपये कलेक्ट कीजिए। तो ये सभी पैसे अपने शहर के बाहर जाकर या अपने गांव की हद के बाहर जाकर, कोई डिस्पेंसरी हो या कोई हकीम का कार्य करता हो या कोई खैराती अस्पताल हो, वहाँ पर जाकर आप दान करके आ सकते हैं, जिससे कि आपको इस मंगल के ऋण पितरी से मुक्ति मिलेगी। तो ये एक सरल सा उपाय है इस मंगल के ऋण पितरी से आपको निजात पाने का। प्रयत्न कीजिए कि आप ये उपाय करके इस ऋण पितरी से मुक्त हो सकें और मंगल के दुष्प्रभावों से बच सकें। इसी के साथ मैं
आपसे विदा लेना चाहूँगा और अगले वीडियो बुध के बहन के ऋण के साथ शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको बताऊंगा उसकी डिटेल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राम राम।